वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ माय टॉप बेस्ट साड़ी फ्रॉम मीशो, जो कि टॉप 10 साड़ीज हैं और मैं अपना एक कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ। एंड आई नो फ्रेंड्स कि आप सबको मेरा मीशो साड़ी कलेक्शन बहुत बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो यहाँ मैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम फिर से लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग देख रहे होंगे साइड में रखा हुआ है। तो वन बाय वन आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, इनके ऑलरेडी वीडियोज बन चुके हैं, ये इनका जो भी पूरा डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैं अपने वीडियो में अभी इन सभी को जो पूरा ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, जो मेन पॉइंट्स है बस उसी को मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैं यहाँ पे पर्पज ये है वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं तो बहुत सारे साड़ीज में मंगाती हूँ, कुछ अच्छे रहते तो रखती हूँ, जो अच्छे नहीं रहते वो रिटर्न करती हूँ, यानी कि अगर कुछ खराब मिलते हैं तो रिटर्न करती हूँ, और ज्यादा रहता है तो मैं अपने रिलेटिव्स को भी देती हूँ। तो जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करके अपने पास रखती हूँ वो सभी चीजें मैं भी आप सबके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप लोग भी जो है बाय कर सकते हो। एंड इन सभी साड़ीज को जो है ऑलमोस्ट जो सारे ब्लाउजेस भी स्टिच किए हुए हैं, किसी का स्टिच अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इतना अगर मैं पूरा स्टिच भी करा लूंगी तो पहनूंगी कब, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही स्टिच करा के जाती हूँ, और थोड़ा थोड़ा जो इसे रखा ही रहता है बाद में स्टिच कराती हूँ ब्लाउज उसका। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं कई सारे जो है अपने मीशो कलेक्शन जो शेयर की हूँ वीडियोस, आई थिंक 2-3 है जो कि वो अलग है, और जो ये कलेक्शन है ये अलग है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने पिछले सारे कलेक्शन में जो मैंने शेयर किया है आप सबके साथ फिर से वही मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ये जो यहाँ पे कलेक्शन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम न्यू है, और अभी तो रिसेंटली मैंने मीशो का जो भी मैंने वीडियो बनाया है उनमें से कुछ पिक करके जो मैं अपने पास रखी हूँ उसका मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इन सभी साड़ीज की बाइंग कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सबको आज का मेरा ये मीशो साड़ी कलेक्शन पसंद आता है तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। अपने घर के लिए, अपने घर को डेकोर करने के लिए कुछ आइटम्स मंगाया है मीशो से। अगर आप सब लोग एक्साइटेड हैं होम डेकोर का देखने के लिए फ्रॉम मीशो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड मैं जरूर शेयर करूंगी। पहले मैं सारी चीजें इकट्ठा कर लूं फिर मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं वन बाय वन मंगा रही हूँ, कुछ कुछ कैंसिल हो जा रहा है, शायद सप्लायर जो है ऑन टाइम डिस्पैच नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत सारे कैंसिल भी हो गए, तो इसलिए भी थोड़ा थोड़ा आइटम्स ही आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि ऑल टुगेदर मैं आप सबके साथ बना के शेयर करूं। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी बिना कुछ देरी किए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सबके साथ एक बहुत ही यूजफुल एंड अमेजिंग सा प्रोडक्ट का जो है यहाँ पे रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज जो है इसको पूरा जो है आप देखिए, ताकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप सबके लिए लेकर आई हूँ जोग से एक यहाँ पे स्लीपर, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा आप सबको एंड बहुत ही हेल्पफुल भी रहेगा। तो मैंने यहाँ पे मंगाया है ये बेलीस, जो कि बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही ये ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे, क्योंकि जोग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना बहुत ही बेस्ट होते हैं, 100% जो है वेगन होते हैं, प्लस पीटा अप्रूव्ड होते हैं एंड बहुत ही बेस्ट क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। आप ना किसी को अपने चाहने वालों को गिफ्ट भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का भी है ये, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो कुछ अगर आप किसी को देना चाहते हो तो ऐसा दो, ताकि उन सबके पास उनके पास जो है काफ़ी टाइम तक रहे, टिका रहे, यूज़ भी करें, और जब भी पहने तो आपको ज़रूर जो है याद करें। तो कुछ इस तरह का आप उन्हें जो है गिफ्ट कर सकते हो, यानी आई थिंक हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। तो ये जो बेलीस है ना, कुछ इस तरह के यहाँ पे पैटर्न में, जिसे आप देख सकते होंगे यहाँ पे सॉफ्ट जो इंसोल है ना अंदर का, वो बहुत ही कम्फर्ट प्रोवाइड करता है। इसको जो पूरा बैक साइड का जो अपर आउट पूरा एरिया है ना, इस तरह का यहाँ पे ग्रेश कलर है एंड प्लस उसके ऊपर पूरा फ्लोरल प्रिंट है। जो फ्रेंड्स इसके अंदर ना ब्रीथेबल लाइनिंग भी है, जिसे जो है ये पूरा जो स्वेट रहता है ना पूरा मैक्सिमम जो है पूरा अब्सॉर्ब कर लेता है, एंड बहुत ही कंफर्टेबली जो है वेयर करके भी जो है अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस के ले सकते हो, कहीं वर्क करते हो या फिर कहीं आना जाना रहता है तो कहीं के लिए भी आप इन्हें यूज कर सकते हो। क्यों, मैंने बैग भी बहुत ही यहाँ पे यूज किया है, बैग में तो मैं काफी सारे हेवी चीजें भी रख लेती हूँ बट कुछ होता भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से बना रहता है। प्लस मैंने ऑलरेडी एक फ्लैट स्लीपर भी यूज किया है, जो कि मैं यूज कर कहीं भी जाती हूँ, कोई भी तरह के रोड वगैरह पे जंप करके दौड़ के
कुछ भी नहीं होता है। सेम यहाँ पे बेलीज भी है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेल जोक में यहाँ पे सिर्फ बेलीज या फिर फ्लैट ही नहीं है, और भी अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज ऑफ डिजाइन है इनके पास। लाइक मैं उनके नाम तो नहीं बता पाऊंगी प्रॉपरली, लाइक यहाँ पे लाइक कैजुअल बेलीज हैं एंड लाइक कैजुअली आप इन्हें जो वेयर करके जा सकते हो। वेल इसमें ना और भी आपको पैटर्न एंड डिजाइन मिलेंगे, सिर्फ एक ही यहाँ पे कलर एंड डिजाइन नहीं, और भी बहुत सारे जो है डिजाइन बहुत ही अमेजिंग डिजाइन हैं जो कि आप सब जो है उन्हें ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे इनके पास जो है वी स्ट्रैप स्लाइडर्स भी रहता है, म्यूल्स रहता है, नॉटेड चप्पल रहता है। इनके पास जो यहाँ पे ये जो कलेक्शन है ना, ये एक तरह की इंडो वेस्टर्न टाइप वाला पूरा ये कलेक्शन है, इंडियन भी रहता है प्लस इसमें जो है वेस्टर्न का लुक भी देता है, तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको उस पर 12% का डिस्काउंट भी मिलेगा। कूपन कोड जो है स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर जो है मिल जाएगा। ज़ोक का जो वेबसाइट लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो। इनका जो पेज है इंस्टाग्राम पे भी है एंड यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप जो है जरूर चेक कर सकते हो। है एंड शिपिंग भी ऑल ओवर कंट्री है, सो जो है ईजी एक्सचेंज भी कर सकते हो। अगर आपको साइज इशू में है कुछ भी हो तो आप जो है ईजी एक्सचेंज भी कर सकते हो, तो ज़ोक जो है जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स पहले मैं लेती हूँ ये मेरा येलो साड़ी जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। कलर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसका पैटर्न भी बहुत ही अच्छा लगा था। जब मेरे गांव से सब लोग आए थे मेहमान, तब मैं यहाँ पे एक भी दिन जो है सूट या फिर कोई चीज ऐसा नहीं पहनी, सिर्फ साड़ीज पहनी थी, तो उस टाइम भी मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुआ क्योंकि काम भी करना था और इस तरह का साड़ी तो था क्योंकि मैं काफी टाइम बाद जो है साड़ी को वेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगी थी। ये जो पूरा जॉर्जेट का ही साड़ी है, इसका जो प्राइस है कुछ ऑलमोस्ट 600-700 रुपीज तक है। इसका एग्जैक्ट प्राइस एंड इमेज आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ऑल ओवर साड़ी जो इस तरह का लहरिया प्रिंट साड़ी आएगा, बहुत ही प्रॉपर पूरा येलो कलर में है एंड इस तरह का हमें पूरा शॉर्ट बॉर्डर मिलेगा जो कि सीक्वेंस एंड जरी का पूरा काम किया है इसमें एंड ये पूरा वेलवेट का बॉर्डर आएगा। एंड नेक्स्ट जो है दो साइड में हमें इस तरह का ब्यूटीफुल सा टेजल्स भी मिलेगा। एंड नेक्स्ट ऑल ओवर साड़ी सेम इस तरह का प्लेन आएगा, इसमें कोई वर्क नहीं आएगा। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल हैं, आपको जो पसंद आए अपने ट्राई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स ये रहा पहला मेरा साड़ी जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा है। इसी के साथ जो है कुछ इस तरह यहाँ पे गोल्डन का ब्लाउज मिला था जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टिच करवाया हुआ है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट ही रखा हुआ है इसका स्लीव। और ये कुछ इस तरह का पूरा यहाँ पे आई थिंक ये पूरा सिल्क के फैब्रिक ही है, इसमें थोड़ा सा इस तरह का पूरा पैटर्न बना हुआ था। मैंने कोई इसमें यहाँ पे ज्यादा वर्क नहीं कराया, बस इस तरह का जो है प्लेन यहाँ पे बैक साइड रखा है, बस इस तरह का डोरी लगवा के 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस था। सो टोटली मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। ये आप डेली वेयर के लिए भी यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो, कोई पूजा वगैरह के लिए भी आप इन्हें जो है ट्राई कर सकते हो। येलो कलर जिनको भी पसंद है ना आप इन्हें जरूर जो है ट्राई कर सकते हो, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। सो ये रहा मेरा पहला साड़ी। नेक्स्ट है ये वाला साड़ी, ये भी बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़िया है यार, इतना ये वेयर करने में इतना मस्त दिखता है ना कि मैं क्या बताऊं। तो ये रहा ये साड़ी जो कि ये पूरा फ्लोरल प्रिंट साड़ी है, अगेन जॉर्जेट के फैब्रिक में है एंड बहुत ही स्मूथ वाला फैब्रिक है। ऑल ओवर से आप देख सकते होंगे इस तरह का थोड़ा सा ये पिस्ता ग्रीन कलर के जैसे ऊपर ना पूरा इस तरह का फ्लोरल प्रिंट दिया हुआ है साड़ी में, जिससे साड़ी को बहुत ही एनहांसिंग बना रहा है। एंड नेक्स्ट जो हमें इस तरह यहाँ पे बॉर्डर रिसीव हो रहा है जो कि बहुत ही प्यार एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है, इस तरह का थोड़ा सा यहाँ पे वर्क किया हुआ मिल रहा है। एंड ऑल ओवर साड़ी हमें इसी तरह का यहाँ पे पैटर्न में आएगा, इसमें और कोई वर्क वगैरह नहीं है। बहुत ही प्रिटी साड़ी है ये, अगर किसी को भी फ्लोरल साड़ी अच्छी लगती है ना डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। वेल अभी जो है नेक्स्ट जो सीजन आने वाला है स्प्रिंग समथिंग जो भी है, तो उन सभी सीजन के लिए ये बहुत ही और भी अच्छी साड़ी है, काफी ज्यादा बढ़िया ये दिखता भी है आउटसाइड जब आप पहन के चलते हो ना बहुत मस्त दिखता है। अगर आप हाउसवाइफ हैं आपके स्टाफ के लिए साड़ी कंपलसरी है, आपके कलेक्शन में ये भी एक रहना चाहिए। मैं तो अपने कलेक्शन में रख ली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा ये पसंद आया है एंड ये बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल भी है वेयर करने के लिए, स्मूथ भी है, सॉफ्ट भी है, लाइट वेटेड साड़ी है, इजिली अपने काम धाम भी कर सकते हो, कहीं भी पहन के आ भी जा सकते हो। ऐसा नहीं किसी भी घर पे पहनने के लिए साड़ी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका जहां मन करे वहां पे पहन के जा सकते हो। सो टोटली रेकमेंड करूंगी। एंड इसका जो प्राइस था ऑलमोस्ट कुछ 500 रुपीज था आई गेस, उतने प्राइस में मुझे साड़ी मिला था एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। फ्रेंड्स ये रहा इसका ब्लाउज जो कि यहाँ पे इस तरह का थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में आएगा,
पिस्ता ग्रीन कलर में, एंड इस तरह का हमें यहाँ पे बॉर्डर भी दिया था, और जैसे मैंने यहाँ पे स्लीव के लिए अटैच करवाया है। एंड नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैंने इसको प्लेन ही रखा है, ऐसे आप देख सकते होंगे जितना प्लेन रहता है उतना अच्छा ही लगता है मुझे। तो ये बैक साइड के लिए इस तरह का यहाँ पे मैंने मेरी जो टेलर है उन्होंने गला दिया है। तो ये 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस है, जॉर्जेट का एक फैब्रिक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन टाइप है। सो ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, एंड इसका भी बाइंग कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ये रहा साड़ी, विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी नाइस साड़ी, क्योंकि ये मल्टी शेड में है। एंड मल्टी शेड किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मल्टी शेड। तो ये भी अगेन सेम फैब्रिक जॉर्जेट के फैब्रिक में है, लहरिया प्रिंट इसका पूरा पैटर्न है साड़ी का, बट इसमें हमें बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, रेड पिंक ग्रीन ब्लू, इस तरह के पूरा कलर कॉम्बिनेशन है, विच इज वेरी वेरी स्टनिंग। एंड नेक्स्ट जो इस तरह का हमें यहाँ पे शॉर्ट बॉर्डर मिलेगा, जो कि पूरा गोटा पट्टी का यहाँ पे इसमें पूरा वर्क दिया हुआ है। सो ये भी टोटली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है ये साड़ी। एंड ये भी अगेन लाइट वेट साड़ी है, सॉफ्ट एंड स्मूथ वाली साड़ी है, इजिली जो आप इन्हें वेयर कर सकते हो। जॉर्जेट जिनको भी पसंद है ना, डेफिनेटली अब इन साड़ियों को जो मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं इतने अमेजिंग कलेक्शन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारे मेरे टॉप एंड नंबर वन साड़ीज हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका ब्लाउज, जो कि यहाँ पे डार्क रानी कलर में ही रहेगा आएगा। 0.8 का ब्लाउज पीस है, बैंगलोर सिल्क इसका फैब्रिक है, एंड इस तरह का हमें यहाँ पे गोटा पट्टी का पूरा लेस बॉर्डर मिल रहा है, जो कि मुझे साड़ी में मिला था। तो इसे आप स्लीव पे अटैच करवा सकते हो। सो टोटली रेकमेंड करूंगी, कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। इस साड़ी का बाइंग कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा नेक्स्ट साड़ी, आई गेस शायद ये फोर्थ साड़ी है, एंड ये भी वन ऑफ ए वेरी वेरी नाइस साड़ी, क्योंकि ना हाफ एंड हाफ साड़ी है। हाफ साड़ी हमें जो है कुछ इस तरह के यहाँ पे प्लेन पिंक कलर में आएगा, और हाफ साड़ी जो हमें पूरा इस तरह यहाँ पे फ्लोरल प्रिंट में आएगा। तो एक साइड जो पल्लू का ये आएगा ना पूरा, हमें इस तरह के यहाँ पे जो है पूरा सैटिन का फैब्रिक अटैच किया हुआ है, जो कि इस तरह का डिजाइन दिया हुआ है। एंड बाकी पूरा जो इसका पल्लू है, सॉरी जो पूरा पल्लू है प्लेन आएगा। नेक्स्ट जो इसका बॉटम आएगा इस तरह का पूरा हमें यहाँ पे फ्लोरल पैटर्न में मिलेगा, विच इज वेरी वेरी नाइस। एंड मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है ये वाली साड़ी, क्योंकि ये ना थोड़ा सा अलग टाइप की साड़ी है, एंड हाफ एंड हाफ भी है। कलर इसका बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही स्टनिंग लगा है मुझे, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा है ये। इसका जो फैब्रिक है ना जॉर्जेट का फैब्रिक है। फ्रेंड्स ये रहा इसका ब्लाउज, जो कि यहाँ पे हमें जो है इस तरह के यहाँ पे जो इसे आप देख सकते होंगे, ये हमें फैब्रिक भी मिलेगा, डिजाइन मिलेगा जिसे आप अटैच करवा सकते हो। एंड इस तरह का स्लीव के लिए रिसीव होगा, बैक साइड के लिए जो है इस तरह कुछ डिजाइन बनाया है मेरे टेलर ने। एंड इस तरह का जॉर्जेट के फैब्रिक में आएगा, पिंक कलर में आएगा। सो 0.8 में का ब्लाउज पीस है, मुझे टोटली बहुत ही अच्छी लगी ये वाला भी, ये साड़ी भी। सो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी, इस साड़ी का बाइंग कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स ये रहा नेक्स्ट साड़ी, वेल आई गेस कि ये जो साड़ी है ना काफी ज्यादा ट्रेंड में था और अभी भी है, क्योंकि इसका पूरा लुक एंड पैटर्न ही कुछ ऐसा रहता है कि ये बहुत ज्यादा ही लोग पसंद करते हैं वेयर करना, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा है। इसको जो पूरा यहाँ पे फैब्रिक है, एग्जैक्टली मैं भूल गई हूँ कौन सा फैब्रिक है, बट ये पूरा जो सिल्क के फैब्रिक में ही लग रहा है, बनारसी सिल्क जैसा ही पूरा फैब्रिक है, थोड़ा सा सिकुड़न वाला टाइप है, बट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि ये दो शेड में है, एक नेवी ब्लू कलर के शेड में, लाइट ब्लू शेड में है। एंड ऑल ओवर जो है वोवन जरी का पूरा काम इसमें दिया गया है, विच इज वेरी वेरी स्टनिंग। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है, एंड ये वेयर करने में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी है, तो आप कोई भी फंक्शन वगैरह के लिए जो है वेयर करके जा सकते हो। फ्रेंड्स इन सभी प्रोडक्ट्स के जो एग्जैक्ट इमेज एंड प्राइस है ना आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, एंड मैं प्राइसेस जो है भूल चुकी हूँ ऑलमोस्ट, बट इसीलिए मैं सब बोल रही हूँ आप सबको कि उनके प्राइस जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। फ्रेंड्स ये रहा इसका ब्लाउज, जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली साड़ी के जैसा ही यहाँ पे हमें मिलेगा, जिसे आप देख सकते होंगे पूरा कलर एंड पैटर्न सब कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ पे बैक साइड के लिए प्लेन ही रखा है, एंड इस तरह का मैंने इसमें यहाँ पे लटकन लगवाया है। तो 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस सेम फैब्रिक में ही है, सो इसका भी जो बाइंग कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स ये रहा सिक्स्थ साड़ी, एंड ये भी वन ऑफ माई वेरी फेवरेट साड़ी है। हालांकि मैंने भी इसका ब्लाउज नहीं स्टिच करवाया है, बट ये मुझे बहुत ही पसंद है, वैसे मैं जल्दी स्टिच भी करवाने वाली हूँ। ये बहुत ही बढ़िया साड़ी, क्योंकि इसका कलर बहुत ही स्टनिंग है, एकदम ब्राइट रेड कलर है। एंड ऑल ओवर साड़ी हमें इस तरह गोटा पट्टी का पूरा लेस मिलेगा, जैसे आप देख सकते होंगे। एंड एक साइड जो है पल्लू के एक दो कॉर्नर पे ना हमें यहाँ पे वर्क मिलेगा, जैसे आप देख सकते होंगे इस तरह का पूरा यहाँ पे हैंडवर्क मिलेगा, जो कि ये दोनों साइड में आएगा पल्लू के, एंड ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे। सो ऑल ओवर सारे सेम इसी तरह का ये पैटर्न में मिलेगा हमें, और इसमें कोई भी ऐसे कोई वर्क या फिर नहीं है, सिर्फ पल्लू के दो कॉर्नर पे हमें इस तरह का यहाँ पे वर्क मिलेगा।
और पूरा गोटा पट्टी का लेस बॉर्डर भी दिया हुआ है। ऑल ओवर सारी इसी तरह का ही है। इसका जो फैब्रिक है अगेन जॉर्जेट का ये फैब्रिक है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है। अगर आपको रेड कलर बहुत ज्यादा पसंद है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नई नई शादी हुई है, होने वाली है, इसके लिए भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स का ब्लाउज भी बहुत स्टनिंग है क्योंकि पूरा हमें कॉन्ट्रास्ट कलर में रिसीव हुआ है, पीच कलर में है एंड ये ऑल ओवर जो इस तरह का गोटा पट्टी का डिजाइन दिया है। एंड नेक्स्ट जैसे आप देख सकते हो कि स्लीव के लिए भी हमें इस तरह यहाँ पे रिसीव हो रहा है। सो 0.8 का ब्लाउज पीस है, बैंगलोर सिल्क का फैब्रिक है एंड ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि स्पेशली इसका जो पूरा कॉन्ट्रास्ट है ना रेड एंड पीच का, ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही अच्छी लगी है एंड मैं जरूर रिकमेंड करूंगी सभी को बाय करने के लिए। अगर इन सभी कलेक्शन में अगर कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुआ है तो आप नोटिफाइड में भी जो है क्लिक करके रख सकते हो, जब भी ये स्टॉक में आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप तुरंत बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स ये अगेन ये रेड साड़ी विच इज ऑल्सो माई अगेन वन ऑफ वेरी ब्यूटिफुल एंड मेरी बहुत ही फेवरेट साड़ी है। इसका जो फैब्रिक है ये नहीं जॉर्जेट का ये फैब्रिक है बट जॉर्जेट एंड शिफोन का मिक्सचर है, ये थोड़ा सा अलग का फैब्रिक है बट बहुत ही प्यारा है। एंड ऑल ओवर साड़ी ना हमें इस तरह का लीफ का जो पूरा जरी का पूरा हमें यहाँ पे वर्क मिल रहा है विच इज वेरी वेरी स्टनिंग ऑल ओवर साड़ी। एंड बॉर्डर के लिए हमें ना इस तरह का यहाँ पे जरी का ही पूरा काम रिसीव हो रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रिटी साड़ी है ये एंड ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, ज्यादा इसमें कोई वर्क नहीं है, हैवीनेस नहीं है, आराम से कैरी भी कर सकती हूँ, बहुत ही अच्छा शेप भी आता है जब ये साड़ी पहनोगे। जो फ्रेंड्स मैंने इसके यहाँ पे ब्लाउज जो स्टिच करवाया हुआ है जो कि यहाँ पे इस तरह का ग्रीन कलर में आएगा एंड ऑल ओवर जो है ये इस तरह का पूरा जैसे आप देख सकते होंगे वोवन सरी का पूरा यहाँ पे काम है एंड जिसे आप देख सकते हो पूरा डार्क ग्रीन कलर में आएगा, बैंगलोर सिल्क इसका फैब्रिक है एंड ये बैक साइड के लिए मैंने कुछ इस तरह यहाँ पे डिजाइन इसमें करवाया था। बहुत ही ज्यादा बहुत ही ब्यूटिफुल साड़ी है, पूरा ब्यूटिफुल ब्लाउज एंड साड़ी है एंड इस तरह मैंने 3-4 स्लीव रखवाया है। सो टोटली मुझे ये भी पसंद है क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट कलर में था, ग्रीन एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी सभी को बाय करने के लिए, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत लगोगे जब आप ये साड़ी को वेयर करोगे। आप लोग सोचते होंगे कि इतने सारे साड़ीज रखी हो बट आप वीडियोस में तो पहनती नहीं हो, क्योंकि मैं वीडियो को बनाने के लिए इतना जल्दी रहता है ना कि मैं मेरे पास जो भी टॉप्स रहते हैं मैं उन्हीं को पहन के जो है मेकअप करके थोड़ा मैं बनाती हूँ क्योंकि टाइम का शॉर्टेज बहुत रहता है मेरे पास इसलिए तो मैं, बट फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं साड़ी में बनाऊ। हाँ बट कभी कभी जरूर बनाऊंगी, बट ये सब जो है आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जो है जरूर मिल जाएगा फोटोज वगैरह, अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ वेयर करके तो मैं उसका उसका जो फोटो पोस्ट करूंगी तो आपको इंस्टा पे मिल जाएगा। मेरा इंस्टा का आईडी आपको स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चेक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ये रहा वन ऑफ माई अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ही माइंड ब्लोइंग साड़ी है ये क्योंकि इसका जो पूरा फैब्रिक एंड जो उसका पूरा पैटर्न ना वो बहुत ही मुझे ऑसम लगा है। फैब्रिक का पूरा यहाँ पे जो है थोड़ा सा शिफॉन सिल्क जैसा फैब्रिक है, बहुत ही स्मूथ है ये साड़ी, बहुत सारी सॉफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ पे टच करने में बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है ये। एंड नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स ये दो शेड में से आप देख सकते होंगे थोड़ा सा शाइन भी करता है साड़ी, तो इस तरह का थोड़ा सा ब्लूइश एंड ग्रीनिश का पूरा कलर कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा पिंक है, मैजेंटा भी कह सकते हो उस तरह कलर कॉम्बिनेशन है। एंड एक सेट लेना हमें इस तरह का ब्यूटीफुल सा यहाँ पे जो है इस तरह का डिजाइन यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है, इस तरह का लटकन मिल रहा है जो कि यहाँ पे इस पे स्टोन पूरा यहाँ पे इस तरह का स्टिक किया है एंड ऑल ओवर साड़ी ना हमें इस तरह का यहाँ पे स्टोन यहाँ पे लगाया हुआ रिसीव हो रहा है आज लाइक अ बॉर्डर, तो इस तरह यहाँ पे छोटे छोटे साइज के स्टोन्स मिल रहे हैं। ये मुझे साड़ी बहुत ही अच्छी लगी है, अगर आपके स्कूल में फेयरवेल है, कॉलेज में फेयरवेल है या फिर कहीं और भी कोई फंक्शन है, नाइट फंक्शन है, पार्टी वगैरह है, देन आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट चॉइस है आप सभी के लिए, जरूर रिकमेंड करूंगी बाय करने के लिए। इसमें और भी बहुत स्टनिंग कलर्स अवेलेबल है, मुझे ये कलर बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने बाय किया है। तो नेक्स्ट इसका ब्लाउज भी बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, ये रहा इसका ब्लाउज जो कि यहाँ पे फुल्ली सीक्वेंस के वर्क में आएगा, फ्लोरल पैटर्न में आएगा, 3-4 स्लीव रखा है मैंने एंड इसी तरह का यहाँ पे पूरा फ्लोरल पैटर्न में आएगा एंड ऑल ओवर जो है पूरा ये सीक्वेंस ही है इसमें, फ्रंट एंड बैक स्लीव एवरीथिंग एंड मैंने इसको यहाँ पे जो है बैक हुक दिया है इसके लिए, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है इस तरह का, मेरे टेलर ने जो ब्यूटीफुल से यहाँ पे डिजाइन भी बना के दिया है। सो ये साड़ी भी मैं जरूर रिकमेंड करूंगी सभी को बाय करने के लिए, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये साड़ी, बहुत ही सिंपल एंड प्लेन है एंड ब्लाउज इस तरह का वर्क एंड नाइस है, आई थिंक डेफिनेटली किसी को मिस नहीं करना चाहिए। इस साड़ी का बाइंग कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये रहा नेक्स्ट येलो साड़ी अगेन विच इज वेरी वेरी नाइस एंड इसका जो पूरा यहाँ पे फैब्रिक है फ्रेंड्स, अगेन ये जो है कॉटन सिल्क फैब्रिक है, थोड़ा सा आई गेस ऑर्गेन्जा तो नहीं है, कॉटन सिल्क फैब्रिक ही है, बहुत ही बढ़िया साड़ी है क्योंकि
ये जो यहाँ पे पूरा साड़ी है ना पूरा ब्राइट येलो में है। ऑल ओवर साड़ी जो हमें इस तरह का पूरा यहाँ पे फ्लोरल पैटर्न पूरा जरी का पूरा यहाँ पे काम मिलेगा जो कि साड़ी को बहुत ज्यादा ही ये नाइस बना रहा है। एंड नेक्स्ट जो इसका आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरह हमें पूरा बॉर्डर मिलेगा जो कि पूरा वोवन जरी का बॉर्डर दिया हुआ है। सो ऑल ओवर साड़ी हमें सेम इसी तरह का पैटर्न सेम होगा। यहाँ पे अलग अलग कलर जो है पूरा फ्लोरल यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है जो कि साड़ी को बहुत ही अच्छा बना रहा है। आप इसे जो अपने हल्दी फंक्शन के लिए या फिर कोई भी किसी का हल्दी फंक्शन तो अटेंड करने के लिए वेयर कर सकते हो, कोई पूजा है तो वेयर कर सकते हो, कैजुअली भी वेयर कर सकते हो। बहुत ही लाइट वेट साड़ी भी है ये। ये रहा इसका ब्लाउज जो कि ब्लाउज भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है इसका। इसे आप देख सकते हो पूरा शाइनी काइंड ऑफ ब्लाउज पीस था इसका, ब्लाउज पीस है इसका। एंड मैंने स्लीव के लिए कुछ इस तरह यहाँ पे डिजाइन रखवाया है, सेम कलर में है पूरा यहाँ पे इस तरह का थोड़ा सा बोटी का वर्क जैसा कह सकते हो उस तरह का डिजाइन है पूरे ब्लाउज में। बैक साइड के लिए मैंने कुछ इस तरह का यहाँ पे डिजाइन इसमें रखवाया है। एंड ये 0.8 में का ब्लाउज पीस था, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है मुझे एंड बहुत ही प्यारा भी लगा था ये साड़ी, इसलिए मैंने बाय किया है। एंड इस साड़ी का बाइंग कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये रहा 10th एंड लास्ट साड़ी एंड ये भी वन ऑफ माय वेरी फेवरेट साड़ी है क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन एवरीथिंग इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। ये जो है ना यहाँ पे पर्पल एंड पिंक कलर के पूरा कलर कॉम्बिनेशन है, ऑल ओवर जरी का पूरा यहाँ पे इसमें काम है। पल्लू में हमें इस तरह का पूरा यहाँ पे स्टोन का हमें पूरा स्टोन का वर्क रिसीव हो रहा है इस तरह का मोर के पैटर्न में। एंड ये जिसके आप देख सकते होंगे जो इसका पूरा यहाँ पे बॉर्डर आएगा कुछ इस तरह का यहाँ पे पैटर्न में आएगा। ऑल ओवर साड़ी से आप देख सकेंगे फ्रेंड इस तरह का हमें यहाँ पे पूरा ये जो आपके प्लेट्स बनाते हैं वहां के लिए पूरा हमें इसी तरह का यहाँ पे जो है डिजाइन मिलेगा, मोर का डिजाइन मिलेगा प्लस स्टोन का भी वर्क मिलेगा। एंड ये पल्लू के लिए हमें इस तरह का यहाँ पे वर्क आएगा। सो ये टोटली मुझे बहुत बहुत ही पसंद आई है, इसका पूरा वर्क काम कपड़ा बहुत ही अच्छा लगा। इसका जो फैब्रिक है ना अगेन ये थोड़ा सा सिल्क के फैब्रिक में ये है, बनारस से सिल्क कह सकते हो उस तरह का फैब्रिक है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग साड़ी है ये। एंड बहुत ही प्यारा भी लगेगा जब इसे वेयर करोगे अपने कोई फंक्शन के लिए भी या फिर ऐसे भी कहीं भी वेयर करके जा सकते हो। ये है इसका ब्लाउज जो की अगेन इसी तरह के सेम पैटर्न में ही है, सेम कलर एंड सेम फैब्रिक वगैरह में ही है। बैचलर के लिए मैंने इस तरह यहाँ पे डिजाइन बनवाया था, एक्चुअली मैं नहीं बनाती हूँ बस वही बना के दे देती है अपने हिसाब से। एंड इस तरह का ट्रेजल्स यहाँ पे लगाया हुआ है, सेम फैब्रिक में ही है, 0.8 का ब्लाउज पीस था। सो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, अगर आप सबको भी अच्छा लगा है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड इस साड़ी का बाइंग कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि आप सबको मेरा ये टॉप 10 साड़ी फ्रॉम मीशो बहुत पसंद आया होगा। लाइक करना तो बिल्कुल बनता है क्योंकि मैं और भी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो है अपना कलेक्शन जरूर ऐसे ही शेयर करती रहूंगी ताकि आप सबको आइडिया भी मिल जाए कि हाँ जो मैं खरीदती हूँ मंगाती हूँ मैं अपने पास भी रखती हूँ और जो सबसे बेस्ट रहता है वही मैं रखती हूँ, तो आप उस हिसाब से और भी अच्छा जो है परचेसिंग कर सकते हो अपने लिए भी। सो इन सभी प्रोडक्ट्स का बाइंग कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं कोशिश करूंगी कमेंट बॉक्स में डाल दूं ताकि आपको और भी इजी हो जाए बाय करने के लिए। एंड सो फ्रेंड्स ये आज का मेरा वीडियो, अगर आप सबको हेल्पफुल लगा हो और अच्छा भी लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बाय बाय।